नमस्कार दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता GS टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 32। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिएगा अंत तक, जबरदस्त सवाल करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल से। सबसे पहला सवाल है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है दोस्तों तो अस्टेपस। याद रखिएगा, अस्टेपस जो है ये मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है। ये अस्टेपस जो हड्डी है ये कान में पाई जाती है। टोटल कान में कितनी हड्डी है दोस्तों? तो टोटल कान में 6 हड्डी है, याद रखिएगा। और मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी अस्टेपस और सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ऑक्सिन है तो पशु हार्मोन की एक श्रेणी है। याद रखिएगा कि ऑक्सिन जो है ये पशु हार्मोन की एक श्रेणी है, ऑक्सिन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की भूमिका है तो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है। याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की भूमिका क्या है दोस्तों? तो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण जो है ये क्लोरोफिल की भूमिका है, क्लोरोफिल, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, क्लोरोफिल के कारण ही पत्ता हरा रंग होता है, याद रखिएगा दोस्तों। क्लोरोफिल के कारण ही पत्ता हरा रंग होता है। और क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये मैग्नीशियम पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल है कि कांसा का एक मिश्र धातु जिसमें होते हैं तो कॉपर और एसएन होते हैं। याद रखिए, कॉपर संकेत सीयू होता है। ठीक है, तो कांसा एक मिश्र धातु है जिसमें होते हैं कॉपर और एसएन। एसएन मतलब क्या होता है दोस्तों? टीन होता है। इसका परमाणु संख्या 50 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो कांसा एक मिश्र धातु है जिसमें होते हैं कॉपर और टीन। नेक्स्ट है कि नींबू के रस की पीएच मान कितना होता है? तो 2.2 होता है, याद रखिएगा कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 2.2। अच्छा, पीएच मान को किसने दिया था? तो सोरेनसन ने दिया था, याद रखिएगा कि पीएच मान को सोरेनसन ने दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि सजीव और उनके वातावरण के बीच अंतविष्ट संबंधों के अध्ययन को कहते हैं तो पारिस्थितिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी, यानी कि सजीव और उनके वातावरण के बीच अंतविष्ट संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। नेक्स्ट है, ये कैपिटल जी है, याद रखिए कि कैपिटल जी यानी गुरुत्व के कारण त्वरण, यानी कैपिटल जी का मान अधिकतम होगा तो ध्रुवों पर होगा, याद रखिएगा। और कैपिटल जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है दोस्तों, याद रखिएगा कि 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। ये कैपिटल जी का, सॉरी, ये स्मॉल जी है। ठीक है दोस्तों, स्मॉल जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक होता है कैपिटल जी जिसका मान होता है 6.67 गुणे 10^-11 होता है, याद रखिएगा कि 6.67 गुणे 10^-11 ये कैपिटल जी का मान होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, और ये स्मॉल जी है जिसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो स्मॉल जी का मान अधिकतम कितना हो, कहाँ पर होता है? तो ध्रुवों पर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी दोस्तों जे.जे. थॉमसन ने, याद रखिएगा कि जे.जे. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। देखिए दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने है कि किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 एवं समस्त परमाणु की संख्या 11 है तो उनके होंगे, क्या होंगे? 11 प्रोटॉन होंगे, 12 न्यूट्रॉन और एवं 11 इलेक्ट्रॉन। याद रखिए कि किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 एवं परमाणु की संख्या 11 है तो उनमें होंगे 11 प्रोटॉन होंगे, 12 न्यूट्रॉन एवं 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि कमानीदार तुला किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हुक के नियम के सिद्धांत पर काम करता है। याद रखिए कि कमानीदार तुला जो है ये हुक का नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है कि एक अपारदर्शक वस्तु का रंग किस कारण से होता है? तो इसके द्वारा रंग का परिवर्तन होता है। याद रखिए कि एक अपारदर्शक वस्तु का रंग किस कारण से होता है? तो इसके द्वारा रंग का परिवर्तन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि किसी गोलाकार मार्ग पर बढ़ रहे किसी वाहन
आपको क्या अनुभूति होगी, तो केंद्राभिसारी बल अनुभूति होगी। याद रखिएगा कि किसी गोलाकार मार्ग पर बढ़ रहे किसी वाहन को क्या अनुभूति होगी दोस्तों, तो केंद्राभिसारी बल। नेक्स्ट है कि नदी की तुलना में समुद्र में तैरना क्यों आसान है। समुद्र का पानी का घनत्व जो है ये नदी के पानी से अधिक होता है, इसीलिए समुद्र में तैरना आसान है। याद रखिए कि नदी की तुलना में समुद्र में तैरना क्यों आसान है, क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व जो है ये नदी के पानी से अधिक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन ले जाने पर पेन से स्याही दिसने लगती है, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव समुद्र स्तर से कम रहता है। याद रखिएगा दोस्तों कि हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन ले जाने पर पेन से स्याही दिसने लगती है, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव समुद्र स्तर से कम रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है कि समान तापमान और दबाव पर सभी गैस कण के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है, इस नियम को क्या कहा जाता है, तो एवोगाड्रो का नियम कहा जाता है। याद रखिएगा कि समान तापमान और दबाव पर सभी गैस कण के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होता ही है, इस नियम को क्या कहा जाता है, एवोगाड्रो का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट है कि किसमें रक्त नहीं होता पर श्वसन करते हैं, तिलचट्टा। याद रखिए कि तिलचट्टा में रक्त नहीं होता है फिर भी श्वसन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि प्रकाश के वेग को मापा था तो रोमर ने, याद रखिएगा दोस्तों कि प्रकाश के वेग को किसने मापा था, रोमर ने प्रकाश के वेग को मापा था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने है कि बिजली के खपत के लिए बिल किसके माप के आधार पर तैयार किया जाता है, तो वोल्टेज के, याद रखिएगा कि वोल्टेज के माप के आधार पर तैयार किया जाता है, यानी बिजली की खपत के लिए बिल किसके माप के आधार पर, तो वोल्टेज के माप के आधार पर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है दोस्तों, ये टंगस्टन का बना होता है। VVI क्वेश्चन है, याद रखिए कि बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट है ये टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि सूरज की किरणों के सामने निलंबित वर्षा की लघु बूंदों द्वारा इंद्रधनुष किसके परिणाम स्वरूप बनता है, तो परावर्तन, अपवर्तन एवं विक्षेपण। याद रखिए कि सूरज की किरणों के सामने निलंबित वर्षा की लघु बूंदों द्वारा इंद्रधनुष किसके परिणाम स्वरूप बनता है, तो परावर्तन, अपवर्तन एवं विक्षेपण। नेक्स्ट है, एटम बम जो है ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों। याद रखिएगा कि परमाणु बम जो है ये नाभिकीय विखंडन पर के सिद्धांत पर आधारित है, और हाइड्रोजन बम जो है दोस्तों, हाइड्रोजन बम ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। याद रखिएगा दो पॉइंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है, पेट्रोलियम अग्नि के लिए किस प्रकार के अग्नि निर्वाहक का उपयोग किया जाता है, तो फोम टाइप। याद रखिएगा कि पेट्रोलियम अग्नि के लिए किस प्रकार के अग्नि निर्वापक का उपयोग किया जाता है, तो फोम टाइप। ठीक है, नेक्स्ट है कि कोई द्रव जो बिना गर्म तीव्रता से वाष्प में बदलता है कहलाता है, वाष्पशील कहलाता है, क्या कहलाता है, वाष्पशील। यानी कि कोई द्रव जो बिना गर्म तीव्रता से ऊष्मा वाष्प में बदलता है कहलाता है, वाष्पशील कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि पानी ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय, क्योंकि यह हाइड्रोजन आयन के समान संख्या में विघटित हो सकता है। याद रखिएगा कि पानी ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय, क्योंकि दोस्तों यह हाइड्रोजन आयन के समान संख्या में विघटित हो सकता है। नेक्स्ट है कि एक अश्वशक्ति का मान होता है 746 वाट, यानी कि 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट होता है दोस्तों। याद रखिएगा कि 1 HP 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, HP मतलब हॉर्स पावर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि इंसुलिन का स्राव किसमें होता है, तो अग्नाशय में होता है, और मधुमेह की कमी से कौन सा रोग होता है, इंसुलिन रोग होता है, तो इंसुलिन का जो स्राव है किसमें होता है, ये अग्नाशय, जिसको हम लोग बोलते हैं पैनक्रियाज इंग्लिश में, अग्नाशय को। नेक्स्ट है कि पानी का अधिकतम घनत्व होता है दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर, पानी का घनत्व जो है ये अधिकतम होता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि सार्वभौमिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर किस रक्त समूह में होता है, ये रक्त समूह ओ में होता है। ठीक है, यानी कि सार्वभौमिक दाता ओ में होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि संगीतमय ध्वनि और शोर में अंतर किसके कारण होता है, तो तरंग दैर्ध्य के कारण होता है। याद रखिएगा कि संगीतमय ध्वनि और शोर में अंतर किसके कारण होता है, तो तरंग दैर्ध्य के कारण होता है।
अगला सवाल आपके सामने है कि एक रसोई घर में उष्मा और धुआं चिमनी के द्वारा किस प्रक्रिया से स्थानांतरित होते हैं। तो संवहन प्रक्रिया से। याद रखिए दोस्तों कि एक रसोई घर में उष्मा और धुआं जो है ये चिमनी के द्वारा किस क्रिया से, तो संवहन की क्रिया से स्थानांतरित होते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि जब ध्वनि का एक स्रोत खड़े हुए पर्यवेक्षक की ओर गतिमान होता है, तब पर्यवेक्षक के द्वारा सुने गए स्वर की पिच ऊंची होती है, यह घटना कहलाता है, प्रतिध्वनि कहलाता है। याद रखिएगा कि जब ध्वनि का एक स्रोत खड़े हुए पर्यवेक्षक की ओर गतिमान होता है, तो पर्यवेक्षक के द्वारा सुने गए स्वर की पिच ऊंची होती है, यह घटना कहलाता है, प्रतिध्वनि कहलाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि सिरका, जिसको बोलते हैं विनेगर, किसका व्यावसायिक नाम है। तो एसिटिक एसिड का है। इसका सूत्र क्या होता है? CH3COOH। याद रखिएगा CH3COOH ये एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वह हार्मोन कौन सा है जो यूट्रस को संकुचित करके बच्चे जन्म देने में मदद करता है। तो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि वह हार्मोन कौन सा है दोस्तों। तो वह हार्मोन है दोस्तों ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन है दोस्तों? ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है कि क्रायोजेनिक का विज्ञान किससे संबंधित है? तो उच्च तापमान से संबंधित है। याद रखिएगा कि क्रायोजेनिक का विज्ञान जो है ये उच्च तापमान से संबंधित है। नेक्स्ट है कि एक रासायनिक यौगिक में कार्बन का संयोजकता सदैव होती है, तो चार होती है। याद रखिएगा कि एक रासायनिक यौगिक में कार्बन का जो संयोजकता है सदैव चार होती है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि किसी वस्तु की मानवीय आंख की रेटिना पर बनने वाली छवि होती है आभासी और सीधी होती है। याद रखिएगा, किसी वस्तु की मानवीय आंख की रेटिना पर बनने वाली छवि होती है आभासी और सीधी। नेक्स्ट है कि सामान्य प्रकुंचक रक्त दाब होता है 120 होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि सामान्य प्रकुंचक रक्त दाब होता है 120। नेक्स्ट देखते हैं अगला दोस्तों। अगला आपके सामने है कि सबसे सरल हाइड्रोकार्बन होता है मीथेन, जिसका सूत्र होता है CH4, जिसको हम लोग गोबर गैस भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे सरल हाइड्रोकार्बन होता है मीथेन। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3, जिसको हम लोग बोलते हैं धोवन सोडा। एक होता है दोस्तों खाने का सोडा, याद रखिएगा Na2CO3 NH2O। क्या होता है? Na2CO3 NH2O, जिसको हम लोग बोलते हैं खाने का सोडा। ये बेकिंग सोडा हो गया, धोने का सोडा। ठीक है, नेक्स्ट है, रक्त का थक्का बनने के लिए क्या आवश्यक है? तो प्लेटलेट्स। याद रखिए कि प्लेटलेट्स जो है ये रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है, और विटामिन के भी इम्पॉर्टेंट है रक्त का थक्का, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अच्छा, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्यूरोन। क्या होता है दोस्तों? फिलोक्यूरोन जो ये विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। रक्त का थक्का बनने के लिए क्या आवश्यक है? तो प्लेटलेट्स। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि जब एक वस्तु को दो समानांतर दर्पणों के बीच रखा जाता है, तब इससे बनने वाली छवियों की संख्या होती है अनगिनत होती है। याद रखिएगा कि जब एक वस्तु को दो समानांतर दर्पणों के बीच रखा जाता है, तब इससे बनने वाली छवियों की संख्या अनगिनत होती है। नेक्स्ट है कि डायलिसिस कराया जाता है जब खराबी होती है गुर्दे में। याद रखिएगा कि डायलिसिस कराया जाता है जब खराब होती है गुर्दे में। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि फैराड की इकाई है धारिता। याद रखिए कि फैराड किसकी इकाई है? धारिता की इकाई है फैराड। नेक्स्ट है, आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? हर्ट्ज। याद रखिएगा दोस्तों कि आवृत्ति की एसआई क्या है? हर्ट्ज। दोनों इंपॉर्टेंट है, फैराड धारिता और आवृत्ति हर्ट्ज। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि यदि किसी पदार्थ को पीटकर चादर, जिसको लोग सीट बोलते हैं, बनाई जाए, तो इस गुण को कहा जाता है आघात वर्धेता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आघात वर्धेता। नेक्स्ट है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम है एसिटिल सैली साइक्लिक एसिड। याद रखिएगा कि एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? एसिटिल सैली साइक्लिक एसिड। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल।
अगला सवाल आपके सामने है कि एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है दोस्तों, तो 6.023 गुणे 10^23 के समान होता है। याद रखिए कि एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है, 6.023 गुणे 10^23 होता है, ये एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। नेक्स्ट है, साबुन से चिकनाई अस्कंद द्वारा हटाई जाती है, किसके द्वारा, तो अस्कंद द्वारा। याद रखिए कि साबुन की से चिकनाई जो है ये अस्कंद द्वारा हटाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने है कि किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उसके निर्भर करता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। याद रखिएगा दोस्तों कि किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है कि हेमेटाइट अयस्क से लोहे के निर्माण में प्रयुक्त चूना पत्थर किस रूप में कार्य करता है, तो बहाव यानी फ्लक्स के रूप में। याद रखिए कि हेमेटाइट अयस्क से लोहे के निर्माण में प्रयुक्त चूना पत्थर किस रूप में कार्य करता है, तो बहाव फ्लक्स के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल, अगला सवाल है कि फ्रियोन का उपयोग प्रसीतक के रूप में किया जाता है। याद रखिए दोस्तों कि फ्रियोन का जो उपयोग है ये प्रसीतक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों, देखिए अगला सवाल है कि न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए रहता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। याद रखिएगा दोस्तों कि न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए रहता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। याद रखिएगा, एक होता है आरएनए, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्रेफाइट को मॉडरेटर, यहाँ पे क्या डलाएगा, मॉडरेटर के रूप में उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या है, मॉडरेटर, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्रेफाइट को मॉडरेटर के रूप में उपयोग किया जाता है, किसके रूप में, तो मॉडरेटर के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने है कि कौन सा एसिड बुरादे के इस्तेमाल से बनाया जाता है, तो एसिटिक एसिड। याद रखिएगा कि कौन सा एसिड, तो एसिटिक एसिड जो है ये बुरादे के इस्तेमाल से बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, एसिटिक एसिड का सूत्र क्या होता है, CH3COOH। याद रखिएगा CH3COOH, ये एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट है, रबर का वल्कनीकरण खाली स्थान डालते हुए किया जाता है, तो सल्फर। याद रखिएगा कि रबर का जो वल्कनीकरण जो है ये सल्फर डालते हुए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल, अगला सवाल है कि बिजली का स्टोव के तंतु को से बनाया जाता है, तो नाइक्रोम बनाया जाता है। याद रखिए कि बिजली के स्टोव के तंतु को नाइक्रोम से बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सा विटामिन रक्त के जमाव में उपयोगी होता है, तो विटामिन के। याद रखिए कि रक्त का थक्के बनाने के लिए कौन सा विटामिन उपयोगी होता है दोस्तों, विटामिन के। और विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन, क्या होता है, फिलोक्विनोन, ये विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों, देखिए सवाल बोल रहा है कि अति चालकता एक ऐसी घटना है जिसमें किसी पदार्थ का प्रतिरोध बहुत ही कम तापमान पर शून्य हो जाता है। याद रखिएगा कि अति चालकता एक ऐसी घटना है जिसमें किसी पदार्थ का प्रतिरोध जो है ये बहुत ही कम तापमान पर शून्य हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल, अगला सवाल है कि तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त किया जाता है। याद रखिए दोस्तों, तारपीन का जो तेल है ये चीड़ से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है कि फूलगोभी का खाने लायक हिस्सा क्या है, फूल। याद रखिएगा कि फूलगोभी का जो खाने का लायक हिस्सा है वो है फूल। नेक्स्ट है, कपड़ा धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, यह है Na2CO3 10H2O। याद रखिएगा कि Na2CO3 10H2O ये कपड़ा धोने का सोडा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने है कि उस ब्राह्मण का नाम बताएं जिसका पृथ्वी एक उपग्रह है, तो वो है दोस्तों मिल्की वे। याद रखिएगा कि उस ब्राह्मण का नाम बताएं जिसका पृथ्वी एक उपग्रह है, मिल्की वे। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है दोस्तों फीमर, ठीक है, जिसको हम लोग उर्विका भी बोलते हैं, यानी मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि फीमर, जिसको हम लोग बोलते हैं जांघ की हड्डी, और सबसे छोटी हड्डी स्टेपस, जिसको हम लोग बोलते हैं कान की हड्डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने है, देखिए सवाल क्या बोल रहा है कि सफ़ेद रक्त कोशिका किस रूप में कार्य करता है, तो संक्रमण से सुरक्षा देने के रूप में। याद रखिए कि सफ़ेद रक्त कोशिका किस रूप में कार्य करता है, तो संक्रमण से सुरक्षा देने के रूप में। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा संलयन प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न होती है। याद रखिएगा दोस्तों कि सौर ऊर्जा जो है ये संलयन प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न
होती है। नेक्स्ट है कि विद्युतीय क्षेत्र में एसी और डीसी का क्या तत्पर है। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। याद रखिएगा एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट दोस्तों और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों के बिखराव को क्या कहा जाता है। तो प्रकाश का विक्षेपण कहा जाता है। याद रखिएगा कि प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों के बिखराव को क्या कहा जाता है। प्रकाश का विक्षेपण कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल कि ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी कुल आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों, देखिए सवाल क्या बोल रहा है। सवाल है कि आवर्त सारणी में कौन सा पहला तत्व है। तो यह है दोस्तों हाइड्रोजन। याद रखिएगा कि आवर्त सारणी में कौन सा पहला तत्व है। हाइड्रोजन संकेत होता है, एच परमाणु संख्या 1 होता है। अगर आपसे सवाल पूछेगा कि ब्रह्मांड में हाइड्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है, तो ब्रह्मांड में हाइड्रोजन जो है दोस्तों ये 71% पाया जाता है। कितना परसेंट? 71%। और हीलियम 26%। याद रखिएगा हाइड्रोजन 71% किसमें? ब्रह्मांड में, और हीलियम 26%, और बाकी अन्य गैसें पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है अगला सवाल आपके सामने, देखते हैं। सवाल है यहाँ पे दोस्तों कि लौह अयस्क जिसमें 72% लोहा पाया जाता है वह है दोस्तों हेमाटाइट। याद रखिएगा कि लौह अयस्क जिसमें 72% लोहा पाया जाता है वह हेमाटाइट। लोहा का संकेत Fe होता है, परमाणु संख्या 26 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है वायु दाब को मापने का यंत्र है दोस्तों बैरोमीटर। याद रखिएगा कि वायु दाब को क्या मापा जाता है, बैरोमीटर से वायु दाब को मापा जाता है। नेक्स्ट है अगला सवाल। अगला सवाल है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंधस्रवी ग्रंथि कौन सी है। तो वह है दोस्तों पीयूष ग्रंथि। याद रखिएगा कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंधस्रवी ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है। वह है दोस्तों सूर्य। याद रखिएगा कि सूर्य एक तारा है। याद रखिएगा कि सूर्य एक तारा है, तो पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है, सूर्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि मरकरी थर्मामीटर का प्रयोग अधिकतम कितने तापमान को मापने में किया जाता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस को मापने में। याद रखिए कि मरकरी थर्मामीटर का उपयोग अधिकतम कितने तापमान को मापने में किया जाता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान को मापने में किया जाता है। नेक्स्ट है कांच प्रतिबलित प्लास्टिक निर्माण में किस प्रकार के कांच का उपयोग होता है, तो तंतु कांच। याद रखिएगा दोस्तों कि कांच प्रतिबलित प्लास्टिक निर्माण में किस प्रकार के कांच का उपयोग होता है, तो तंतु कांच का उपयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि वायु में ध्वनि तरंगे हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। याद रखिएगा कि वायु में ध्वनि तरंगे हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। नेक्स्ट है आईटी का विस्तारित रूप क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। याद रखिएगा कि आईटी का विस्तारित रूप क्या है दोस्तों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है दाद एक संबंधी रोग है कवक। दाद एक कवक संबंधी रोग है दोस्तों। याद रखिएगा कि दाद एक कवक संबंधी रोग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कांच है एक अति शीतल तरंग। याद रखिए कि अति शीतल तरंग जो है, तरल जो है, ये कांच है एक, ठीक है। नेक्स्ट है हड्डियों व दांतों में उपस्थित रासायनिक पदार्थ है कैल्शियम फॉस्फेट। याद रखिएगा कि हड्डियों व दांतों में उपस्थित रासायनिक पदार्थ क्या है दोस्तों, तो कैल्शियम फॉस्फेट। अच्छा, कैल्शियम का संकेत Ca होता है, परमाणु संख्या 20 होता है, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है कि नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है तारकोल। याद रखिएगा कि नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है, तारकोल। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि न्यूट्रॉन एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश है, यानी याद रखिएगा कि न्यूट्रॉन जो है एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो जेम्स चैडविक ने। याद रखिए कि जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किए थे। नेक्स्ट है विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो राइबोफ्लोबिन। याद रखिएगा कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लोबिन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों कि एक फ्रिज में शीतलक है फ्रियॉन। याद रखिएगा कि एक फ्रिज में शीतलक क्या है दोस्तों, फ्रियॉन। नेक्स्ट है एक हार्मोन जिसमें आयोडीन होता है थायरोक्सिन। याद रखिएगा कि एक हार्मोन जिसमें आयोडीन होता है थायरोक्सिन।
नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि विटामिन जो नींबू और संतरे जैसी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, तो विटामिन सी, और विटामिन सी का सबसे सर्वोत्तम स्रोत क्या है दोस्तों? आंवला। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? अस्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों से खून निकलना, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है, याद रखिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने क्या है दोस्तों, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि एक ग्रीन विट्रॉल यानी ग्रीन विट्रॉल का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? FeSO4 7H2O, याद रखिएगा कि ग्रीन विट्रॉल का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? FeSO4 7H2O, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ये ऑक्सीजन निकलती है, ऑक्सीजन का संकेत O होता है, परमाणु संख्या 8 होता है, याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि एक मोटी नीले कांच के माध्यम से जब एक लाल वस्तु को देखा जाए तो वह कैसा प्रकट होगा? तो वह काला प्रकट होगा दोस्तों, याद रखिएगा कि एक मोटी नीले कांच के माध्यम से जब एक लाल वस्तु को देखा जाए तो वह कैसा प्रकट होगा? काला। नेक्स्ट है, एक वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ रखने से होगा? तो भूमध्य रेखा पर, याद रखिएगा एक वस्तु का जो वजन है सबसे कम कहाँ रखने से होगा? भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि एक बिजली के पंखे का काम करने में किसका रूपांतरण है? तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, याद रखिएगा कि एक बिजली के पंखे का काम करने में किसका रूपांतरण है? विद्युत ऊर्जा का रसायन यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट है, फिलोलॉजी है, भाषाओं का अध्ययन, याद रखिएगा कि भाषाओं का जो अध्ययन है यह फिलोलॉजी कहलाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि किस वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज की? लैंडस्टीनर, याद रखिएगा दोस्तों कि लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। नेक्स्ट है कि कौन सा हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करता है? वैसोप्रेसिन, याद रखिएगा कि वैसोप्रेसिन जो है ये एक हार्मोन है जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि हल्की विद्युत प्रवाह का पता लगाने के लिए क्या साधन उपयोग होता है? तो गैल्वेनोमीटर, याद रखिएगा कि हल्की विद्युत प्रवाह का पता लगाने के लिए क्या साधन उपयोग होता है? गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट है, अनैच्छिक मांसपेशियां किनके द्वारा नियंत्रित होती है? तो रीढ़ की हड्डी, याद रखिएगा कि अनैच्छिक मांसपेशियां किनके द्वारा नियंत्रित होती है? तो रीढ़ की हड्डी के द्वारा नियंत्रित होती है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि नाइट्रिक अम्ल के लवण को क्या कहा जाता है? तो नाइट्रेट कहा जाता है, याद रखिएगा कि नाइट्रिक अम्ल के लवण को नाइट्रेट कहा जाता है। नेक्स्ट है, पानी में हवाई बुलबुले किस वजह से चमकते हैं दोस्तों? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी कि कुल आंतरिक प्रतिबिंब के कारण, याद रखिएगा कि पानी में हवाई बुलबुले किस वजह से चमकते हैं? तो कुल आंतरिक परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट है, इतनी में गर्म होने वाला तत्व क्या कहलाता है? नाइक्रोम कहलाता है, याद रखिएगा कि इतनी में गर्म होने वाला तत्व नाइक्रोम कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि केल्विन पैमाने पर बर्फ के पिघलने की बिंदु है 0 केल्विन, याद रखिएगा कि केल्विन पैमाने पर बर्फ के पिघलने की बिंदु है 0 केल्विन। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्रमशः किस रूप में शामिल है? प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन और 0 न्यूट्रॉन के रूप में शामिल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? वो है दोस्तों हाइड्रोजन, याद रखिएगा कि ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। और ब्रह्मांड में हाइड्रोजन जो है ये 71% पाया जाता है, और 26% दोस्तों हीलियम पाया जाता है, और बाकी अन्य गैस पाई जाती है 3%, चूँकि 71 और 26 97 हो जाएगा, और 3% अन्य गैस पाई जाती है, ठीक है, ब्रह्मांड में। और ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का संकेत H होता है, परमाणु संख्या 1 होता है, और हीलियम का संकेत HE होता है, परमाणु संख्या 2 होता है। नेक्स्ट है, सिनेबार एक अयस्क है पारा का संकेत क्या होता है दोस्तों? HG होता है, HG मतलब पारा, और परमाणु संख्या कितना होता है? 80 होता है पारा का, याद रखिएगा। तो सिनेबार एक अयस्क है पारा का। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने कि पेट्रोल में टेट्राइथिल लेड क्यों मिलाया जाता है?
एंटी नोकिंग रेटिंग में वृद्धि के लिए। याद रखिएगा कि पेट्रोल में टेट्रा इथाइल लेड क्यों मिलाया जाता है, तो एंटी नोकिंग रेटिंग में वृद्धि के लिए। ठीक है, अगला सवाल और आज का लास्ट सवाल, पेड़ से क्या निकलने के कारण रात में पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है। तो रात में पेड़ जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है दोस्तों, इसीलिए रात में पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 32 डिस्कस कर लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।